एग करी तो आपने बहुत खाए होंगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट स्टाइल एग करी की रेसिपी, जिसे ब्रिंजल एग करी कहते हैं। तो इसे आप हॉट राइस के साथ, रोटी पराठे के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ये डिलीशियस रेसिपी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोमिस किचन में आपका स्वागत है। तो ब्रिंजल एग करी बनाने के लिए यहाँ पे मैं बॉयल्ड एग ली हूँ। तो एग को मैं कट कर ली हूँ, देख सकते हैं आप, चारों तरफ से मैं इस तरीके से मैं कट लगा ली हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं ब्रिंजल ली हूँ, तो इसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ कढ़ाई पर मैं 1.5 टेबल स्पून ऑयल दी हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल से ये मैं कुकिंग कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल से कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं बैंगन को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो इसे लगभग 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो देख सकते हैं बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ दूसरे प्लेट में। तो अब मैं कढ़ाई पे फिर से 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल दी हूँ और सबसे पहले मैं ऑयल में थोड़ा सा मैं टर्मरिक पाउडर ऐड की हूँ और उसके बाद मैं एग्स को फ्राई कर ले रही हूँ। तो टर्मरिक पाउडर देने से और एग्स जो है अच्छे से वो फ्राई भी हो जाते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो देख सकते हैं एग फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से, तो इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो उसी ऑयल में अब मैं यहाँ पे पोटैटो ली हूँ, इस तरीके से कट की हुई हूँ, देख सकते हैं आप बड़े बड़े टुकड़ों में। तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो पोटैटो फ्राई हो गए हैं, इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो अब उसी ऑयल में मैं अब ऐड कर रही हूँ जीरा, ऐड की हूँ फोरन में, और यहाँ पे मैं स्लाइस्ड किए हुए मैं अनियन ऐड की हूँ। यहाँ पे मैं 2 अनियन ली हूँ मीडियम साइज का। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं अनियन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही इसमें स्लाइस्ड किए हुए मैं यहाँ पे टोमेटो भी ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे मैं एक लार्ज साइज का टोमेटो ली हूँ और जिंजर गार्लिक और टोमेटो को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर हो जाए और इसका कोई स्मेल भी ना रहे। और टोमेटो सॉफ्ट होने के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दी हूँ। साथ ही यहाँ मसालों में हल्दी पाउडर ऐड की हूँ और कश्मीरी रेड चिली पाउडर यहाँ पर मैं ऐड की हूँ 1 टीस्पून और यहाँ पर जीरा पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर मैं 1 टीस्पून ऐड की हूँ, मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। आप कोरिएंडर पाउडर भी दे सकते हैं बट मैं नहीं यहाँ पे दी हूँ। और यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून पानी ऐड की हूँ ताकि मसाले जल ना जाए और अच्छे से पक भी जाए। तो इसे मैं कवर कर दी हूँ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद में दिखाती हूँ। तो लो फ्लेम पे कुक करते हुए 5 मिनट्स हो गए हैं। तो देख सकते हैं मसालों से कितने अच्छे से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया है और मसाले अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसे इस तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से मैश कर ली हूँ चलाते हुए। तो मसाले पक गए हैं, तो इसमें मैं पोटैटो ऐड कर दे रही हूँ सबसे पहले और साथ ही फ्राई किए हुए बैंगन भी मैं यहाँ पर ऐड कर दी हूँ। तो अब इसे हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के हल्के हाथों से इसे मैं मिक्स कर ली हूँ। तो ये मिक्स हो गए हैं अच्छे से। तो अब मैं मुझे जितना ग्रेवी चाहिए मैं उस हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी ऐड की हूँ, आपको जितना ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो हल्के हाथों से इसे एक बार मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो देख सकते हैं इसमें बॉयल आ गया है, तो इसमें मैं 5 ग्रीन चिलीज ऐड की हूँ, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से ग्रीन चिलीज ऐड कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड की हूँ, मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। और ये ध्यान में रखिएगा कि जब सब्जी में उबाल आ जाए तभी उसमें मसाले ऐड कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे मैं फ्राइड किए हुए एग्स भी ऐड कर दे रही हूँ, हल्के से मिक्स कर ले रही हूँ इसे।
तो ये मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ, तो देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। तो इसे फिर से मैं हल्के हाथों से मिक्स कर ले रही हूँ। तो मेरी ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं पोटैटो भी सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म ब्रिंजल एग करी बनकर रेडी है। आप इसे हॉट राइस, रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा। जो भी मेरे इस चैनल में न्यू है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।